गाइज अभी प्रेजेंट टाइम में मार्केट में काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक कंपनियां आ चुकी है, जिसे परचेज करने में काफ़ी कंफ्यूजन होता है और मन में ढेरों सारे सवाल उठते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी होगी, रेंज कितना प्रोवाइड करती है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, ऐसे बहुत से सवाल मन में उठते हैं। तो गाइज अगर आप भी 2024 में कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करने की सोच रहे हैं और आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में जो आपके हर कमियों को फुलफिल कर देगी। और गाइज एक सवाल और है जो लोग काफी पूछते हैं कि रिबोट NX100 की टेस्ट राइड और डिलीवरी कब से शुरू होगी। तो गाइज आप लोगों को बता दूं कि इसको लेकर भी अपडेट आ चुका है। गाइज रिबोट कंपनी अपने फैक्ट्री के कुछ पिक्चर भी शेयर किए हैं और बताया है कि फैक्ट्री पूरी तरह से बनकर तैयार है, सिर्फ मशीनरीज लगने बाकी रह गए हैं, फिर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज मेरे ख्याल से अभी इसको आने में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन गाइज अगर आप अभी प्रेजेंट टाइम में कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करने की सोच रहे हैं तो गाइज आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है रिवर इंडी, जिसे मिनी SUV भी कहा जाता है। इसके अलावा इसमें बिल्ड क्वालिटी भी आपको बेटर देखने को मिल जाएगा और ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको सिंगल चार्ज पे 120 किलोमीटर की ट्रू रेंज प्रोवाइड करती है। गाइज इसमें 4 kWh का लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया, जिसके मदद से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 120 किलोमीटर की ट्रू रेंज प्रोवाइड करती है सिंगल चार्ज पे। चार्जिंग टाइम की बात करें तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 0 to 80% चार्ज होने में लगते हैं 5 आवर्स। मोटर की बात करें तो इसमें 6.7 kW के पिक पावर वाला PMS मिड ड्राइव मोटर दिया गया है और 26 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिससे इसकी टॉप स्पीड हो जाती है 90 km/h की। एक्सेलरेशन की बात करें तो 0 to 40 km/h की टॉप स्पीड जाने में लगते हैं 3.7 सेकेंड। इसके अलावा 18 degree के ग्रेडिबिलिटी भी दिया गया है। इसका लुक की बात करें तो इसका लुक आपको कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जहां फ्रंट में आपको ड्यूल LED हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा और टर्न इंडिकेटर टेल लाइट भी LED में ही दिया गया है। गाइज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, अंडर द सीट 43 लीटर का और फ्रंट में आपको 12 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा इसके साइड में आप ग्लव बॉक्स भी लगवा सकते हैं। टायर की बात करें तो फ्रंट रेयर दोनों में आपको 14 inches का ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाएगा अलॉय व्हील के साथ। और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है, रेयर में आपको ड्यूल स्प्रिंग शॉक ऑब्जर्वर देखने को मिल जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो कंबाइन ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है और दोनों ही पहियों में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएगा। अब अगर बात करें फीचर की तो इसमें आपको नॉर्मल डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, राइडिंग मोड, रिवर्स मोड, बैटरी पावर इंडिकेटर, चार्जिंग पोर्ट जैसे फीचर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इसकी प्राइस की बात करें गाइज तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 1,38,000 रुपये। गाइज ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो एक बार इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। बाकी गाइज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।